Rishta Likhenge Hum Naya. दाता हुकुम, आप इस वक्त रिलैक्स, स्ट्रेस देने नहीं आया और अब डिस्को तो रह गया, जेट लैग की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और भूख भी बहुत लग रही. क्या है? ठीक है तो कुछ ऑर्डर कर देते हैं. नहीं, ऑर्डर तो मैं भी कर सकता था ना, लेकिन इस वक्त मेरा घर का बना खाने का मन कर रहा है और क्या ना, मेरे पेट में भी बहुत दर्द है, तो मैंने सोचा सिंपल खिचड़ी जैसी डिश खा लेता हूँ. आप बनाएंगी मेरे लिए खिचड़ी? हम खिचड़ी? पर हमें तो खाना. प्लीज दिया, ना मत कहिएगा. आप तो जानती है कि घर वालों को सुबह मैंने जो कुछ भी कहा उसके बाद मैं उन्हें खिचड़ी बनाने के लिए तो नहीं कह सकता ना, कि विश्वास पात्र भी तो आप ही हैं ना. पर ठीक है, हम अभी नीचे से सामान मंगवाते हैं. हाँ प्लीज जल्दी. दाल और चावल लेना है ये तो पता है, पर कितनी मात्रा में, क्या करें? शायद आपके एक्सपर्ट हाथों से बनी मैजिकल खिचड़ी मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे. थोड़ा जल्दी. कितना टाइम, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है. ये क्या कर रही हैं आप? आपको ही बड़ी जल्दी पड़ी थी तो हमने भी जल्दी जल्दी में. फीलिंग बेटर? खाली है. Wow. इस खिचड़ी की रेसिपी तो हमें कुकिंग कंपटीशन में भेजनी चाहिए और इसे हम खिचड़ी सूप या खिचड़ी शोरबा भी कह सकते हैं. ये
दिया भाई साहब, आपके हाथ के खाने में जादू है। अरे भाई, खिचड़ी भी ऐसी बनाती हैं आपकी, 56 भोग पीछे टूट जाए। जिसके घर में जाके अपने हाथ का खाना खिलाएंगे देखेगा, जीवन भर आपके खाने के गुण गाएगा वो। सॉरी दादा हुकुम, वो क्या है ना, सालों हो गए खाना बनाए, कुकिंग तो कब का भूल गए। नॉट अ प्रॉब्लम मिस्टर इंडिया। और ये खिचड़ी थोड़ी है, ये तो खिचड़ी सूप है। और वैसे भी नाम में क्या रखा है? मुझे नमक ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी। मिस्टर इंडिया, आपको कुकिंग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे घर के खाने का मन करेगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? क्या बोलती है मिस्टर इंडिया? मसालों के माप के लिए ये बहुत जरूरी है। तो बताइए, आज क्या बनाना चाहेंगे आप, समोसा, पिज्जा या लेमनीज? खिचड़ी? तो ठीक है, आज हम खिचड़ी बनाएंगे। जल्दी चलिए, मिस्टर इंडिया ने बुलाया है। ये वहां रख दीजिए दाता हुकुम। अब घर का नाश्ता नहीं करना चाहते हैं ना सही, लेकिन बाहर खा जरूर लीजिए। इस मौसम में ना खाएं तो तबीयत खराब हो सकती है। जी काकी मां साहब। आप लोग यहीं रुकिए, मैडम अंदर गई है ना, मैं उन्हीं के साथ हूं। ओके। खिचड़ी? जब पता चलेगा इनको कुकिंग क्लास में बिजी करना मेरे प्लान का पार्ट था, तब मिस्टर इंडिया का फेस देखने लायक होगा। परफेक्ट। अब हम दाता हुकुम को खिलाएंगे हमारी परफेक्ट खिचड़ी। क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दाता हुकुम कहाँ है? वो तो आपके साथ अंदर थे ना। क्या? मिस्टर इंडिया, आप नहीं मानती ना कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं कितना काबिल हूँ। दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्ट वॉच। दाता हुकुम को ढूंढने में पूरा स्टाफ लगा दीजिए। हर 20 मिनट की रिपोर्ट हम तक पहुंचनी चाहिए। इतने लापरवाह कैसे हो गए हम? इतनी आसानी से बेवकूफ बना गए हमें दाता हुकुम। कुकिंग क्लासेस पे जब इतना जोर दे रहे थे ना, हमें तभी समझ जाना चाहिए था। दिया भाई साहब, हुकुम, इसमें आपकी गलती नहीं। दाता हुकुम के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे थे, ये हमें कभी पता भी नहीं चला। फिलहाल हमने उनके सारे नौकरों को बुलवा दिया, और जैसा आपने कहा था, उनके नौकरों को कुछ खबर नहीं कि हमने उन्हें यहाँ पे क्यों बुलवाया। घर में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। खमागड़ी हुकुम भाई साहब। खमागड़ी, दादा हुकुम नाश्ता करके गए हैं क्या? ठीक से खा तो लिया ना उन्होंने? अपने साथ कुछ लेके गए हैं कि नहीं? जी भाई साहब, हुकुम, दादा हुकुम ने मिलाती नाश्ता किया से। अच्छा, तैयार होके गए होंगे।
क्या पहना है आज उन्होंने? बड़े चौखे लग रहे थे दाता हुकुम। बूट पहनते हो तो उन्होंने कहा कि किसी को शूट करना है और इसलिए लंबे वो बूट पहने, शिकार वाला जूता। अच्छा, इसका मतलब जंगल की तरफ गए। अपने इस एडवेंचर की आड़ में मुसीबत खड़ी कर देनी खुद के लिए भी और हमारे लिए भी। एक तो ये नहीं जानते कि यहाँ हंटिंग इलीगल है, ऊपर से अगर दुश्मन को पता चल गया कि अकेले गए हैं तो। भाई साहब को आपसे बात करने से हमारे परिवार के लोगों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रचेंगे तो हम क्या चुप बैठेंगे? ये कौन सा नया नाटक से हमारे घर के नौकरों से पूछताछ क्यों की जा रही से? और दाता हुकुम के बारे में इतने सारे सवाल। छोटी टकरानी साहब, इस वक्त हम जल्दी में, हमें जाने दीजिए प्लीज। What the hell guys? तुम लोग मेरे दोस्तों, at least मेरी speed तो match करो। Come on, buckle up now। नहीं तो दोनों को shoot कर दूँगा। तू चले तो चाल निगोड़े, हम तो गंगा नहाएंगे। हम तो आपके जाने का कब से इंतजार कर रहे से भाई साहब। जाने से पहले जवाब देके जाइएगा। दाता हुकुम कठे है, यश बन्ना। दादी सा हुकुम पूछे जा रही है, पूछे जा रही है। जबान पे तालो लग गए। ओके, कठे हैं दाता हुकुम। खून सूख गया के थारो। थू है थारे पे थू। वाह प्रिया कुमारानी साहब, वाह। आपको बीनड़ी बना के तो हमने अपना सब कुछ खो दिया। अपने पति को तो अपने साथ रहने ना दिया आपने, भगा दिया उसे, और अपने बेटे को परायों का बना दिया। ये अपना ही सिक्का खोटा हुए तो जौरी से के शिकायत। यश बन्ना, प्लीज बताइए सबको कहाँ है दाता हुकुम। बोलिए, आपकी माँ साहब से पूछ रही है, बताइए। सब वो दाता हुकुम। यश, आपको हमारी कसम है, बताइए। यश बोलिए। दाता हुकुम कहाँ है ये ना यश बन्ना को पता है ना हमें। अपने सिक्योरिटी को गुमराह करके चले गए हैं कहीं। चले गए? दया कर सी काल खमा। क्या फायदा आपकी इस जेड सिक्योरिटी का? बड़ा घमंड है ना आपको आपके पहरेदारी पे? अरे पहरेदारी तो अब शुरू हुई से, उनके आने के बाद। वह दूर देश पहरेदारी आसान थी। यहाँ दाता हुकुम के माल की पहरेदारी करने में आप चतुर थी ही पैसा हुकुम, पर अब तो यहाँ आ गए हैं आपके नाक के नीचे, तब भी कुछ नहीं कर पा रही आप।
टपकन लगे टापरी ते भीजन लगे खाट। आपकी ऊंची आवाज में क्या कहा था आपने कि दाता हुकुम के पुतले का बाल तक बाका होने को नहीं देंगे आप। अब तो पूरे दाता हुकुम गायब से, अकेले से उन पर हमला हुआ तो उन्हें अगर कुछ हुआ तो आपके जवाब तैयार रखिएगा पैसा हुकुम। वचन देते हैं आपको छोटी ठकराणी सा, हम दाता हुकुम को सही सलामत वापस लाएंगे, और अगर ना ला पाई तो आपकी तलवार और हमारा सर। सौदा बराबर का होता है बाईसा हुकुम। हमारे दाता हुकुम के सामने आपका क्या मोल, सस्ते सौदे का हम क्या करें। सस्ता तो नमक भी होता है छोटी टकरानी सा, पर अगर सही जगह सही मायने में घुल जाए तो खाने का स्वाद बढ़ा सकता है। यही अगर ज्यादा डल जाए तो मुंह का स्वाद बिगाड़ भी सकता है। देखिए, अब दिवाली पर नए गहने लाकर दिए होते और एक नई पोशाक बनवा दी होती तो आपसे ये सब नहीं करवाना पड़ता ना हमें। मासा की पुरानी पोशाक पहननी पड़ रही है हमें। ये ठीक है। ठीक है? हाँ ठीक है। अब बैठ क्यों गए, इसे ड्राई क्लीनिंग में देके रेडी करवाइए। उठिए उठिए। वैसे भी आजकल घर के ही तो काम कर रहे हैं आप, रॉयल जोरू के गुलाम। जब से दाता हुकुम आए हैं आयुष भाई साहब होटल के हर काम में आगे आगे, लेकिन आप कुछ मत कीजिएगा। आप ऐसे कपड़े ड्राई क्लीनिंग में दीजिएगा, यूजलेस। अब यूजलेस तो मत बोलो ना। अच्छा सॉरी सॉरी। जी मासा। दाता हुकुम मिल नहीं रहे हैं, कहाँ गए वो? जी मोहक सा हमारे साथ ही हैं। नहीं मासा वो बिल्कुल फ्री है, हम भेजते हैं उन्हें। जी मोहक सा, दाता हुकुम कहीं मिल नहीं रहे हैं। आप एक काम कीजिए, मासा के साथ जाकर ढूंढिए उन्हें, शायद इसी बहाने उनका हाथ हमारे सर पे भी आ जाए। आप देर मत कीजिए, जल्दी जाइए। हाँ। दीजिए। खम्मा घनी दाता हुकुम। नमस्ते। आगे रास्ता ठीक नहीं है, कई दिनों से जंगली चीता ने सबका जीना हराम करके रखा है। आगे मत जाइए, आगे खतरा से। खतरा इक्वल्स डेंजर, डेंजर इक्वल्स एडवेंचर। शूटिंग के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? लेट्स गो। सुन तो सही यार, वो क्या कह रहे हैं? इट्स सो रिस्की मैन। समझ यार बात को। तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, वापस चले जाओ, सेफ एंड बोरिंग। और वैसे भी मैं सीधे रास्ते पे चल के बूढ़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि कहानियां एडवेंचर से ही बनती। मैं तो यहां से आगे जा रहा हूं, अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आ जाओ। आपने आदेश
आदेश दिया था उसे देखते ही खत्म करने का, लेकिन हम क्या खत्म करेंगे? आपके दाता हुकुम जंगली चीते को शूट करने निकल गए, हमारा काम तो वो खुद कर ही लेंगे। जानवर के भरोसे मत रहिए, अपना काम कीजिए, पीछा कीजिए उनका, और याद रहे इस बार किस्सा तमाम करके ही लौटना। आज तो वो पहरेदार भी साथ नहीं है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।